चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबले से इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन की शुरुआत हो रही है। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इन दोनों टीमों के बीच बीते सीजन का फाइनल मुकाबला खेला गया था। दोनों टीमों की कमान नए कप्तानों के हाथों में है। एक लड़का जिसकी जड़ें केरल में है, जन्म मुंबई में हुआ और वो कोलकाता की कमान संभालेगा। दूसरा लड़का जो गुजरात से चेन्नई पहुंचा और वहां का लाडला बन गया, वो अब सुपर किंग्स का थल्ला यानी लीडर बनकर मैदान पर उतरेगा। श्रेयस अय्यर अपने होम टाउन में खेलेंगे, लेकिन उनकी निष्ठा हमेशा कोलकाता के प्रति होगी। रविंद्र जडेजा गुजरात के खिलाफ उतरेंगे तो उस समय भी वो विसल पोरू करते नजर आएंगे, चेन्नई के लिए जान लड़ा देंगे। आईपीएल की एक खासियत है और इसी वजह से दुनिया की सबसे अनोखी क्रिकेट लीग है। आज जब आईपीएल सीजन 15 का मैच खेला जाएगा तो वो अय्यर और जडेजा की कप्तानी का इम्तिहान भी होगा। भारतीय क्रिकेट को मोटे नाम और नई पहचान दिलाने वाले आईपीएल 10 टीम के साथ स्वदेश में अपना रंग बिखरने के लिए तैयार है। आज मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और पिछले साल के उपविजेता कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। ये 2011 के बाद ये पहला अवसर होगा जबकि ट्रॉफी के लिए 10 टीम आपस में भिड़ेगी। इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के रूप में दो नई टीम आईपीएल में पदार्पण करेंगी। दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल में ये आखिरी सीजन हो सकता है। उन्होंने पहले मैच से पूर्व कप्तानी छोड़कर जडेजा को कमान सौंप दी। जडेजा पर भी सभी की निगाहें रहेंगी क्योंकि उन्हें उस टीम की कमान संभाली है जिसका 2008 से ही धोनी नेतृत्व कर रहे हैं, जो चार बार की चैंपियन है। इस बार श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और मयंक अग्रवाल के नेतृत्व कौशल की भी परीक्षा होगी। अय्यर केकेआर की जबकि राहुल लखनऊ और हार्दिक गुजरात की कमान संभालेंगे। अग्रवाल को पंजाब का कप्तान बनाया गया। अय्यर इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स जबकि राहुल पंजाब किंग्स की कप्तानी कर चुके हैं। हार्दिक के लिए ये आईपीएल में कप्तानी का पहला अनुभव होगा। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट।